गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, हाउ टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. सो वी हैड डिस्कस्ड टू मेथड. फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. सेकेंड मेथड क्या था? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट और अ लाइन हैविंग टू पॉइंट ऑन. Now today we will discuss that equation of a line passing through a given point and perpendicular to two lines. किसी given point के तो क्या है वो pass कर रही है और two lines की क्या है perpendicular. किसी भी two lines की क्या है perpendicular. अगर कोई line passing point given है और two lines given है जिनके वो perpendicular है तो कैसे लिखना है? R vector equal है A vector is a passing point plus lambda B1 cross B2 where B1 and B2 are direction ratios of these two lines. इन दोनों के cross product की क्या रहेगी? Cross product के जो है हमारे पास वो हमें क्या देगा? Direction देगा. तो आपके पास question कैसे try करना है मैं आपको एक question करके बताती हूँ. आपके पास equation of straight line है. जैसे आपके पास पासिंग पॉइंट है माइनस वन थ्री माइनस टू. ए वेक्टर है आपके पास माइनस वन थ्री माइनस टू और टू लाइन्स की इक्वेशन जो है लाइन्स के आपके पास एक्स बाय वन इक्वल वाई बाय टू इक्वल जेड बाय थ्री. एक्स बाय वन इक्वल वाई बाय टू इक्वल जेड बाय थ्री. और सेकेंड लाइन की अगर आपके पास एक्स प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस टू बाय माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाई माइनस थ्री वाई प्लस वन बाई टू और लास्ट क्या है आपके पास वाई माइनस वन बाई टू है और जेड प्लस वन बाई फाइव. वाई माइनस वन बाई टू है और जेड प्लस वन बाई फाइव. तो आपके पास जो ये टू लाइन्स है यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन. तो यहाँ से सबसे पहले क्रॉस कैसे ले रहे आप लोग यहाँ से क्रॉस लेके एक काम कर सकते हैं. हमें एबीसी फाइंड करना है ठीक है. तो यहाँ से इसकी इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल जीरो. यहाँ से आ जाएगी माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी इक्वल जीरो. जो आपकी लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमने ले ली ए बी सी. क्लियर? आपने जो डायरेक्शन आएगी वो यहाँ से आएगी ए बी सी. डायरेक्शन रेशियोज हम इन दोनों से फाइंड करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा ये हमें पता है. आपकी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो जे बी सी है. इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो से वन टू थ्री डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमने जीरो आ गया. सेम हियर डॉट प्रोडक्ट लिया जीरो आ गया. क्रॉस करके आपने ए बाय बी बाय और सी बाय ये आपने फाइंड करना है. ए अपॉन में कितना आएगा टेन माइनस सिक्स फोर और बी के अपॉन में कितना आएगा माइनस नाइन माइनस टेन माइनस फाइव माइनस फोर्टीन और सी के अपॉन में कितना आएगा टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स. तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई फोर माइनस फोर्टीन और ए. तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सबको कितना आ जाएगा ए बाय टू बी बाय माइनस सेवन सी बाय फोर. सी इक्वल टू बी है तो आपके पास जो रेशियोज है ए वेक्टर बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया टू वाई कैप माइनस सेवन के कैप प्लस फोर के कैप. ये आपके पास बी वेक्टर डायरेक्शन शो प्रोपोर्शनल होती है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. इक्वेशन का बनाना सिंपल है. आर वेक्टर इक्वल है लैम्डा इंटू टू वाई कैप माइनस सेवन जी कैप प्लस फोर के कैप. आप बी वन क्रॉस बी टू को कैसे निकाल सकते हो? डिटर्मिनेंट की फॉर्म से भी निकाल सकते हो. डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से भी बी वन क्रॉस बी टू आप फाइंड कर सकते हो. वहां से भी सिंपल आ जाएगा. क्लियर? कैसे करते हैं? आई जे के लिखिए आई जे के बी वन क्रॉस बी टू अगर निकालना है वन टू थ्री माइनस थ्री टू फाइव. इसको सॉल्व करके भी आप बी वन क्रॉस बी टू निकाल सकते हैं. चाहे एबीसी वाले से कर लो चाहे क्रॉस करके कर लो सेम सेम आएगा. क्लियर? तो
2/4। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखना तो सिंपल रहता होगा कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप देना देखो, तो ये कौन सा मेथड था, व्हेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक तो पॉइंट गिवन है और कोई भी टू लाइंस गिवन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज आती है। नेक्स्ट क्या है, हर टाइप से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करा देंगे। पर पहले लेट अस स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। हियर इज अ लाइन L1 L2, टू लाइंस की क्वेश्चन गिवन है आपके पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू लाइन कट एट राइट एंगल, मीन्स दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इन दोनों का इंटर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 to -4 एंड पैरेलल टू लाइन L1, दिस इज योर लाइन L1, इसके पैरेलल है, मींस इसकी डायरेक्शन रेशियो से आपको उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब सबसे पहले तो रीराइट कर दीजिए इक्वेशन को, क्या लिख सकते हैं हम लाइन L1 को, x -1/-3, y -7 से डिवाइड करते हैं, 2/2λ/7 इक्वल z -3/2। इस लाइन को लिखते हैं, कितना आएगा, 7 से डिवाइड किया हमने तो 3λ/7 आ गया, और नेगेटिव साइन लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ x माइनस वाला है। इधर क्या रहेगा, y -5/1 और इधर रहेगा z -6/-5। हमने प्रॉपर वे पे अपनी दोनों लाइन्स की इक्वेशन को लिख लिया, दोनों लाइन्स को हमने प्रॉपर वे में लिख लिया। फिर हमें क्या पता है, इफ टू लाइन्स कट एट राइट एंगल देन प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो, हमें पता है ये बात। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, A1 dot A2 डॉट प्रोडक्ट का सीन है हमारे पास, A dot B 0 होता है, इट मीन्स A इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो आप इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो देगी क्या रहेगा, -3 λ/5 +2λ/7 (1) +2 -5 = 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लेते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 70/11। आप सॉल्व करके देखिए ना, आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 70/11। चलो हमें सबसे पहला काम खत्म हो गया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दी थी। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग पॉइंट। देखो मैं इस चीज करके दिखाती हूँ आपको, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम रख लेते हैं 70/11। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को मानेंगे सॉल्व। अब आपको बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 to -4 एंड पैरेलल टू लाइन L1। लाइन L1 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -3 2λ/7 और 2λ की वैल्यू बुक कर दो, -3 2 × 70/11 × 7 20/11 आ गया और 2। अब डायरेक्शन रेशियोज पता चल गई, पासिंग पॉइंट है, आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख ले इसको, आर वेक्टर इसके इक्वल रहेगा 3i +2j - 4k -3i 20/11 j + 2k। तो दिस इज योर लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन L1। जो लाइन L1 की डायरेक्शन रेशियोज हैं, एज इट इज डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे यूज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 3-4 चीजें हमें यहाँ पे करनी थी। सबसे पहली बात लैम्डा फाइंड करना था, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हमने कंसेप्ट याद आया डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, हमने डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखा और लैम्डा की वैल्यू निकाली। सेकेंड कंसेप्ट क्या था, लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जिसका पासिंग पॉइंट गिवन था और पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन की पैरेलल है तो इस लाइन में जो डायरेक्शन रेशियोज है वही उसको डायरेक्ट करेगी, उसकी डायरेक्शन रेशियोज सेम हो जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन से ही और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन क्या है। अब करते हैं इंटरसेक्ट।
intersection of two lines. Two lines का intersecting point कैसे निकालें? दो तीन concept करेंगे आज हम. Intersection of two lines. हाँ, देखो, two lines के intersection का पर मतलब समझ के देखते हैं क्या है. आपके पास two lines अगर intersect करी है, it means they have a common point. समझने वाली बात है. If two lines intersect, ये two lines को intersect करी है. तो ये पॉइंट जो रहेगा ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन आल्सो. तो हमने क्या करना है, मेन बेसिक सीखना है. हमने क्या करना है, दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकाल के इक्वेट कर देंगे हम. कि ये पॉइंट जनरल पॉइंट हम किसी भी लाइन से निकाल सकते हैं, इक्वल टू लैम्डा करके जो हम फाइंड करते हैं. इस लाइन का भी जनरल पॉइंट निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे. क्वेश्चन करके देखते हैं आपको, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. लाइन से x माइनस वन बाई टू, y माइनस टू बाई थ्री, z माइनस थ्री बाई फोर. सेकेंड लाइन क्या है आपके पास, x माइनस फोर बाई फाइव, y इक्वल z है. सेकेंड वाला देखते हैं क्या है, y माइनस वन बाई टू, z माइनस जीरो बाई वन. आपको स्टेटमेंट की स्टेप से शो दैट द लाइन इंटरसेक्ट आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है. अब टू लाइंस की इक्वेशन है, दोनों का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं. लेट जनरल फर्स्ट लाइन जो है वो इक्वल टू लैम्डा है और सेकंड लाइन जो है वो इक्वल टू म्यू है. ठीक है, फर्स्ट लाइन इक्वल टू लैम्डा एंड सेकंड लाइन इक्वल टू म्यू. इक्वेट करना है, थ्री इक्वेशंस बनेंगी.
पहली टू इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू को आपने थर्ड में पुट करके देखना है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे ही लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है आपने जनरल पॉइंट को फाइंड कर लेना है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है हमने, किस वे से क्वेश्चन करना है। क्लियर? और देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये जनरल पॉइंट वाला मेथड काफी यूज होना है। अब आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसका बेसिक ही नॉलेज को यूज करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये लाइन इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। कंसेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन करें। पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। आपको तीन चार वे से आ सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फर्स्ट वे, सेकंड वे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। आपको सिंपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। थर्ड क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के स्टेट का आ सकता है कि इमेज निकालो, इस पॉइंट की इमेज निकालो। क्लियर? हम एक ही कंसेप्ट में तीनों चीजें कवर करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो लाइन की इक्वेशन देखो समझ, ये पॉइंट गिवन है 1 2 3, ये जो लाइन है इसका जनरल पॉइंट से 2λ+1, 3λ+2 और 4λ-1 इस साइड से दे देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड होती है, बी माइनस ए करके 2λ+2-1, 3λ+2-2, 4λ-1-3 इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर दी। इस लाइन की गिवन होगी क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। मीन्स इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है वो चीज ध्यान से समझनी है। हमने क्या किया, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाली। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और ये के वाले कंपोनेंट में से माइनस कर दिए। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं इसकी हमें पता है क्योंकि लाइन की इक्वेशन गिवन है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। वहां से किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू आती है आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आते ही सबसे पहला काम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड हो चुका है। क्लियर? इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गई और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके हम इमेज फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास ये पॉइंट फाइंड करना हमें क्लियर है तो हम थ्री टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड किया, हमने डिस्टेंस फाइंड किया और हमने इमेज फाइंड की। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आपके पास 0, 2, 3 है, पॉइंट है 0, 2, 3। लाइन इक्वेशन में लिख रही हूं, लाइन इक्वेशन के आपके पास x + 3/5, y - 1/x + 3/5, y - 5/2, z + 4/3। इस क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड कर लेते हैं, 4/3। सो दिस इज योर लाइन ऑफ इक्वेशन, वो पॉइंट ही बने। क्वेश्चन है फाइंड फुट टू परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, फिर ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड इमेज। तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करा देते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कर दिए, लेट कोई भी ये दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर बी, लेट कोई जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। बी का क्या रहेगा बोलो, 5λ-3, 2λ+1, 3λ+2,
थ्री लैम्डा माइनस फोर। तो आपने जनरल पॉइंट निकाल लिया। फिर आप देखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, फाइव लैम्डा माइनस थ्री माइनस जीरो, टू लैम्डा प्लस वन माइनस टू, थ्री लैम्डा माइनस फोर माइनस थ्री। तो कितना आ गया फिर, फाइव लैम्डा माइनस थ्री, टू लैम्डा माइनस वन, थ्री लैम्डा माइनस सेवन। ये किसकी डायरेक्शन रेशियो आई है, ए बी की। फिर आप ये लिखिए, ये लाइन को दे दो नाम एक्स वाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स वाई कितनी रहेंगी, फाइव टू थ्री। आपने पहले चेक कर लिया कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपनी। अब क्योंकि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो। कर देते हैं, फाइव लैम्डा माइनस थ्री इंटू फाइव, टू लैम्डा माइनस वन इंटू टू, थ्री लैम्डा माइनस सेवन इंटू थ्री इक्वल जीरो। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास क्या आई है, लैम्डा की वैल्यू आ गई वन। लैम्डा की वैल्यू आ गई वन। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू बन रही है आप पुट कर देते हैं, फाइव माइनस थ्री टू, थ्री माइनस वन। तो ये बी पॉइंट कितना आ गया आपके पास, टू थ्री वन। तो आपने इसके बाद यही भी निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या रहेगा, रूट में टू माइनस जीरो का स्क्वायर फोर, थ्री माइनस टू का स्क्वायर वन, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी, अंडर रूट ट्वेंटी वन। तो ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, तो हमारे हो चुके हैं। आगे देखते हैं, क्लास आप लोगों को असाइनमेंट करनी है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स।